था एक घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की। किस तरह का घटनाक्रम था, क्या कुछ निकल कर आया था? दिनांक 23 तारीख को दोपहर की घटना है गणेश गौशाला के पास में। वहाँ पर अज्ञात चार युवकों द्वारा एक व्यक्ति जो आ रहे थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पूर्व में हो चुका है और उनको रॉड से और चाकू से और कैंची से हमला करके काफ़ी घायल किया गया था। उस घटना पे शहर में पैनिक होने के कारण तत्काल हम लोगों ने टीमें गठित की और मौके पर टीमों को भेजा गया। मौके पर टीम पहुंचने के बाद थाना कोतवाली, थाना कदमनगर, थाना मोगढ़ की टीमें, तीनों टीमें लगी हुई थी, साथ में नगर पुलिस अधीक्षक और SDOP साहिबान सब लगे हुए थे। उनको कुछ सफलता हासिल हुई। वीडियो कैमरा फोकस करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि यहाँ चार जो युवक है वो संजय नगर स्थित रहने वाले है, जिसका शिनाख्त की गई बाद में कि ये कौन है। तो एक संजय नगर का एक टम्मन प्रवीण उर्फ टम्मन और एक विशाल, दूसरा दो बच्चे हैं, मतलब उनकी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये दोनों भी उनके साथ थे। ऐसे चार लोगों ने मिलके हमला किया था। उनकी तस्दीक हो गई है, आरोपियों को आज अरेस्ट कर लिया गया है, आरोपियों का PR लेना शेष है, आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाएगी। क्या उद्देश्य के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ जारी है। अभी उन्होंने अपना उद्देश्य क्लियर नहीं किया है, केवल उनका ये टारगेट था कि दारू वारू पी कर वो लोगों को रोक रहे थे और मारने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो में भी इस प्रकार से दिख रहा है, शहर का माहौल भी खराब करने की कोशिश की जा रही थी। घटना के पीछे किसी प्रकार का संगठन या किसी व्यक्ति के सामने? अभी ऐसा किसी संगठन या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं आया सामने, पर उस इन्वेस्टिगेशन में उस विषय पर जांच जारी है। इनको सबक सिखाने के लिए भी कुछ इस तरह के जो काम कर रहे हैं उसके लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस की कार्रवाई जो है कारगर कार्रवाई रहेगी किसी भी हालत में। ये अब जेल से हम इनको कोशिश करेंगे क्या जमानत ना हो पाए और साथ ही साथ समाज की शांति व्यवस्था ख़राब ना हो सके, और साथ ही साथ इनके विरुद्ध जितनी कार्रवाई करना है, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना है, जिला बदर या NSA जैसी कार्रवाई करना है, या 122 के प्रकरण CRPC के भी हम कर सकते हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड छटवाया जा रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। इनको उस क्षेत्र में भी आज ले जाया गया था सर, जिस क्षेत्र में इन्होंने घटनाक्रम किया, उस क्षेत्र में उस घटनास्थल की तस्दीक करने के लिए पुलिस कर्मचारी जरूर लेकर गए थे कि कहाँ घटना कारित की, किस प्रकार से, कौन कहाँ था उपस्थित, कहाँ से आए, किधर से आए, कौन कौन लोग कहाँ मिले हैं और कहाँ मिलकर उन्होंने प्लानिंग की है और इसके पीछे कौन है, इस बारे में जानने के लिए घटनास्थल पर आरोपियों को ले जाकर तस्दीक की गई है।